नमस्कार। आज के व्याख्यान का विषय है अर्थांतरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। महाकवि चूड़ामणि कालिदास स्वभावतः रस सिद्ध कवि हैं, अतः उनके काव्य में आत्मभूत रस तत्व परिलक्षित होता है। तथापि वे अलंकार की उपयोगिता व गौणता को भी अपनी रचनाओं में उचित स्थान देते हैं। अपनी कविता कामनी की सौंदर्य वृद्धि तथा भाव अभिव्यंजना के लिए वे अलंकारों का प्रयोग अवश्य करते हैं, परंतु वे उसे अलंकारों के अनावश्यक भार से आक्रांत नहीं करते हैं। अलंकार के शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दो भेद होते हैं। रससिद्ध कवि होने के कारण कालिदास ने शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का अधिक प्रयोग किया है। अर्थालंकारों में भी उन्होंने अपनाया तो सभी को है, पर उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अर्थांतर्न्यास, अप्रस्तुत प्रशंसा, अतिशयोक्ति आदि पर उनकी दृष्टि विशेष रूप से केंद्रित है। इनका प्रयोग उन्होंने भाव सौंदर्य की वृद्धि एवं रस परिपाक के निमित्त किया है। कालिदास उपमा के क्षेत्र में अनुपम है। भारतीय आलोचकों ने उन्हें उपमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। जैसा कि प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य, यद्यपि यह कथन सर्वथा उचित है, तथापि उपमा का प्रयोग ही कालिदास की सर्वश्रेष्ठता का सूचक नहीं है। वस्तुतः वे अलंकारवादी कवि नहीं है, अपितु रस सिद्ध कवि हैं। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी है। उनकी संविधान कुशलता, रस योजना, भाव अभिव्यंजना, ध्वन्यात्मकता एवं प्रासादिक शैली भी अद्वितीय है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कालिदास ने उपमा अलंकार से बढ़कर अर्थांतर्न्यास का प्रयोग किया है। उपमा कालिदासस्य न उत्कृष्टेति मतमम अर्थांतरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। कालिदास ने ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया है जो अपने में जीवन के सत्यों को समाहित किए रहते हैं। इसी से कालिदास के ऐसे वाक्य आदर्श बन गए हैं, यथा किमिभि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तः इत्यादि। शाकुंतल के इस श्लोक में अर्थांतर्न्यास का चित्रण किया गया है। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अस्याम अभिलाषी मे मनहा सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तः। निसंदेह यह शकुंतला क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि मेरा मन इस पर अभिलाषा करने वाला है। संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। यहाँ उत्तरार्धगत सामान्य से पूर्वार्धगत विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर्न्यास अलंकार है। कालिदास ने यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग करके नवीन चमत्कार उत्पन्न किया है। देखिएगा, अंतरहिते शशिनी सैव कुमुदवती में दृष्टिम नानंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुसहानि। चतुर्थ अंक में अर्थांतर न्यास का जो प्रयोग है वो सराहनीय है, दृष्टव्य है। शुश्रूष्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने पत्युर्विप्रकृता अपि रोशनत्या मा इसमें प्रतिपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो वामः कुलस्य आदयः। गुरुजनों की सेवा करना, सपत्नी जनों से प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के कारण पति के प्रतिकूल कार्य न करना
अपने आश्रित जनों पर अत्यधिक उदार रहना, अपने सौभाग्य के विषय में निराभिमानी रहना, इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां सुग्रहिणी पद को प्राप्त होती हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाली दोनों ही कुलों के लिए मानसिक व्यथा का कारण होती हैं। इस श्लोक में चतुर्थ चरणगत सामान्य अर्थ से पूर्व पाद त्रयगत विशेष अर्थ का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। कालिदास के अर्थांतर न्यास में उनके व्यवहारिक अनुभवों का सार सर्वस्व अत्यंत अद्वितीय है। उन्होंने अपने काव्य में उपमा के अतिरिक्त अन्य अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है। अर्थांतर न्यास का जिस कुशलता के साथ प्रयोग किया है उसका साम्य अन्यत्र दुर्लभ है।